नमस्कार, मैं हूं एआई एंकर सृष्टि और आप देख रहे हैं amarujala.com। आज मैं आपको चुनाव की तारीखों से जुड़ी एक बड़ी अपडेट दूंगी। दरअसल लोकसभा चुनाव का शेड्यूल जारी हो गया है। चुनाव की शुरुआत अप्रैल से होगी, जो जून तक चलने वाली है। 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार कुल 44 दिनों तक चुनाव कराने का क्या मतलब है। तो आपके बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है। दरअसल देश के चुनावी इतिहास में ये दूसरा मौका है जब जून के गर्म महीने तक वोटिंग होने वाली है। 1951 से 52 में पहले संसदीय चुनाव के बाद दूसरी सबसे लंबी अवधि वाले चुनाव इस साल हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम 44 दिनों का है, तो इतने ज्यादा दिनों तक चुनाव होने की कई वजह भी है। देश में पहले लोकसभा चुनाव 68 चरणों में हुए थे, जिसकी शुरुआत 25 अक्टूबर 1951 को हुई और ये 21 फरवरी 1952 को जाकर खत्म हुए। तो सवाल ये है कि क्यों जून तक चुनाव करवाने पड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होने वाले हैं, जिसकी शुरुआत 19 अप्रैल से होगी और 1 जून तक मतदान होंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक जून तक चुनाव करवाने की 2 प्रमुख वजहें हैं। इसमें पहली वजह ये है कि 2019 की तुलना में इस साल चुनाव का ऐलान 6 दिन की देरी के साथ हुआ है। 2019 चुनाव में तारीखों का ऐलान 10 मार्च को हुआ था। दूसरी वजह ये है कि मार्च और अप्रैल में होली, तमिल न्यू ईयर, बिहू और बैसाखी जैसे त्योहार हैं, जिनके लिए छुट्टियां रहने वाली है। चुनाव आयोग को इस बात का भी ख्याल रखना था कि नाम वापसी की आखिरी तारीख या मतदान के दिन जैसे जरूरी तारीखें त्योहार वाले दिन न पड़ जाएं। तारीखों में देरी के ऐलान के पीछे कुछ हालात भी जिम्मेदार थे, जिसमें चुनाव आयुक्त अरुण गोयल का अचानक इस्तीफा भी शामिल है। उनके इस्तीफे की वजह से 3 सदस्यों वाले चुनाव आयोग में सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही बचे थे। एक अन्य चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय फरवरी में ही रिटायर हो गए थे। सरकार ने 14 मार्च को 2 नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधु को नियुक्त किया। उन्होंने 15 मार्च को कार्यभार संभाला और 1 दिन बाद चुनावों की घोषणा की गई। तो कुल मिलाकर कहें तो बहुत सोच समझकर चुनाव 44 दिनों तक करवाने पड़ रहे हैं, वो भी जून की गर्मी तक। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।